हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्ले मैथ क्लास डेवलप लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के दूसरे वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वीवीआई भी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आज से, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बुक निकालिएगा। उसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वाई बराबर लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटा 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर माइनस वन से अपने संपूर्ण प्राथमिक वर्तमान फलन है। ये जानना है, देखिए दिया है वाई बराबर लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x/2 प्लस एक्स दिया है, और एक्स का मान माइनस वन से बड़ा अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन यही निकालना है। देखिए ध्यान से, पहले इसका डीसी करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स। बताइए लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x और -2। अब यहाँ एक्स बटा 2 प्लस एक्स है, तो अंश का अवकलन कर देंगे गुणे हर माइनस हर का अवकलन कर देंगे गुणे अंश बटा हर का होल स्क्वायर। ये डीवाई बाई डी एक्स बराबर मिलेगा हम लोग को 1/1 प्लस एक्स माइनस 2, और ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स होगा माइनस 2 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा और माइनस एक्स होगा बटा 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो यहां तक हम लोग को मिल गया। अब क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। इसे कर देगा ये बचेगा, ये 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस इसे कर देगा ये बचेगा, यानी 4 इंटू 1 प्लस एक्स। अब देखिए डीवाई बाई डी एक्स, इसको हल करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर आप प्लस 2 ए बी, तो 4x हो जाएगा माइनस 4 से गुना करेंगे -4 और -4x बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। तो +4 से -4 4x से 4x कट जाएगा, ये डीवाई बाई डी एक्स बराबर मिला हम लोग को एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। यानी यहाँ जो मिला इसका जो मान होगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, यानी यहाँ मिल रहा है हम लोग को एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ मिला एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा। यानी किताब में भी दिया है कि एक्स का मान -1 से बड़ा के लिए, यानी -1 इधर आएगा तो +1, यानी एक्स +1 बड़ा होगा 0 से, यानी अतः वाई अपने संपूर्ण प्रांत में एक कैसा फलन है, वर्तमान फलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्या कि एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए वाई बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर एक वर्तमान फलन है। चलिए यहाँ देखते हैं, वाई बराबर गुना जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर होगा, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4। यानी जब गुना होगा तो x का पावर 4 हो जाएगा माइनस डीसी, गुना करेंगे 4x³ हो जाएगा प्लस 4x² होगा। अब हम क्या करेंगे, डीसी कर देंगे, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx। क्या हुआ, x के पावर 4 क्या होगा, 4x³, 4 × 12 x² प्लस 4 × 8 x। अब यहाँ से कुछ कॉमन कर लीजिए, 4x कॉमन कर लेते हैं, तो x² माइनस 3x प्लस 2।
यानी इसको लिख सकते हैं 4x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। जब गुणा करेंगे तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब देखिए फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, देखिए क्या होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी फोर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। बारी बारी से जीरो के बराबर करेंगे, यानी फोर एक्स बराबर जीरो, यानी एक्स का मान जीरो मिलेगा। एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी एक्स का मान क्या मिलेगा वन। एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर क्या मिलेगा टू, यानी एक्स का मान कितना आ गया तीन मान आ गया। यानी ये सभी मान है, इन सभी से हम लोग को अंतराल बनेगा, चार अंतराल बन जाएगा, ठीक है। और चार अंतराल के अनुसार हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मान रखे जीरो वन टू जीरो वन टू, तो यहाँ पर हम लोग के पास चार अंतराल हो गया। फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी से जीरो, दूसरा जीरो से वन, तीसरा वन से टू, और उसके बाद चौथा टू से इन्फिनिटी। तो इसके बीच में अगर हम कोई भी मान रखेंगे एफ डबल एस एफ डैश एक्स में, तो उसका मान निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव, इसलिए निगेटिव लिख दिए। जीरो से और वन के बीच वन बाई टू लिखेंगे अगर यहाँ एफ डैश एक्स के जगह पर, तो प्लस आएगा, इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे। और वन और टू के बीच में अगर कोई मान रखते हैं यहाँ, तो वो आएगा निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो गया। और ये टू और इन्फिनिटी को कोई अंतर रखेंगे तो प्लस आएगा, इसलिए आप पॉजिटिव हो गया। तो जो प्लस वाला है वो वर्धमान अंतराल होगा, और माइनस में जो दिया है वो हर समान अंतराल होगा। इसलिए यहाँ वर्धमान अंतराल हो गया, माइनस वर्धमान हो गया जीरो से एक और दो से इन्फिनिटिव, जीरो से एक और दो से इन्फिनिटिव वर्धमान अंतराल हो गया। और माइनस इन्फिनिटिव से जीरो और वन से टू जो हुआ एक हर समान अंतराल हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखिए नौ। कैसे कीजिए कि एक अंतराल दिया जीरो से फाइव बाई टू में, वाई इक्वल टू दिया है आपका फोर साइन थीटा बटा टू प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा दिया है क्या। थीटा एक वर्धमान अंतराल है और अंतराल दे रखा है क्या जीरो से पाई बाई टू। तो यहाँ डीसी करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डीवाई बाई डी थीटा। देखिए ध्यान से, फोर तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का डीसी, यानी डी साइन थीटा बाटा डी थीटा और गुने टू प्लस कॉस थीटा, यानी अंश का अवकलन गुने हर और माइनस हर का अवकलन, हर का अवकलन और गुने अंश और बटा हर का होल स्क्वायर टू प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, और माइनस थीटा का डीसी वन हो जाएगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी थीटा वन हो जाएगा। चलिए फोर साइन का डीसी क्या होगा, कॉस थीटा इनटू टू प्लस कॉस थीटा और माइनस टू का जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा और इनटू साइन थीटा बटा टू प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर और माइनस वन फोर। चलिए गुणा करते हैं, कॉस थीटा टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा टू प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर और माइनस वन। ओके तो देखिए फोर, और यहाँ क्या होगा टू कॉस थीटा अब प्लस टू कॉस थीटा प्लस वन हो जाएगा अब बटा, यहाँ अगर एलसीएम ले तो टू प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर माइनस ए टू प्लस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, टू प्लस कॉस थीटा से क्या होगा गुना। तो देखिए यहाँ फोर चार में दूसरे चार दूना आठ कॉस थीटा प्लस चार माइनस दूसरे गुना करो दो का स्क्वायर चार माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू फोर हो जाएगा कॉस थीटा बटा टू प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस चार माइनस चार कट जाएगा, और यहाँ चार आठ में चार जाएगा चार कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा टू प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर।
अब देखिए इसका मान होगा 0 से 12 ही होगा, कब? इंटरवल का मान होगा 0 से लेकर π/2, क्योंकि इसके बीच में अगर कोई भी एंगल का मान रखेंगे ना तो इसका मान प्लस में ही आएगा। किसमें आएगा? प्लस में। इसलिए ये जो होगा मान, ये एक वर्धमान फलन होगा। कैसा फलन होगा? वर्धमान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, 10 नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। सिद्ध कीजिए कि लॉग गुणक के फलन 0 से इंफिनिटी में एक निरंतर वर्धमान फलन है। एफ एक्स बराबर दिया है लॉग एक्स, और एफ डैश एक्स करेंगे तो 1/x आएगा, लॉग एक्स का रिसीव 1/x होता है, और x के जगह पर आप रख दो 1/3, 1/4, 1/5, यानी x के जगह पर हम कुछ भी मान रखेंगे, यानी जो इंटरवल दिया है 0 से इंफिनिटी के बीच में 1/x का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, होगा ना? धनात्मक होगा, क्योंकि 0 इंफिनिटी का कोई भी अंक रखो प्लस ही आएगा। इसलिए log x 0 से इंफिनिटी के बीच वर्धमान, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 11 दिया है क्या? सिद्ध कीजिए कि 12 एक क्वेश्चन नंबर 12 ना, सॉरी 11 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि -1 और 1, यानी इंटरवल दे रखा है -1 से लेकर किसके बीच? 1 के बीच। तो -1 और 1 में fx = x²-x+1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, हम लोग को दिखाना है। तो fx/dx²-x+1 डीसी करेंगे f(x)² का 2x-1 हो जाएगा। फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग f(x)=0, यानी 2x-1=0, यानी x का मान क्या मिला हम लोग को? 1/2। अब पहले से दे रखा है -1 और 1, तो -1 और 1 लिख दिए और यहाँ बीच में 1/2 लिख देंगे। अब इसके और इसके बीच में मान कोई रखते हैं f(x) में, इसमें तो हम लोग को निगेटिव है, इसलिए यहाँ लिख दें निगेटिव। और 1/2, 1 के बीच में अगर कोई भी संख्या रखेंगे तो वह प्लस में आएगा। किसमें आएगा? प्लस में। इसलिए पॉजिटिव लिख दिए। तो देखो इस और ये अंतराल, यानी -1 और 1 के बीच, इसमें हो रहा है ह्रासमान फलन और इसमें हो रहा है वर्धमान फलन। लिखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, -1 और 1/2 में क्या है जी? ह्रासमान है। क्या है जी? ह्रासमान। तथा 1/2 से 1 में क्या है? वर्धमान है। इसलिए -1 से 1 में न तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान होगा, यानी जब वर्धमान और ह्रासमान दोनों आने लगे, इसलिए इसमें ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इतना के लिए जय हिंद।